हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे आलू पराठा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ उबले हुए आलू में 2 प्याज, 2 हरी मिर्च, कुछ धनिया के पत्ते, फिर आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच गरम मसाला डाला है। अब इन सबको अच्छे से मिलाइए और एक अच्छा सा मसाला तैयार कीजिए। मैंने यहाँ मेरे हिसाब से स्पाइसेस डाले हैं, आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। और आप अपने हिसाब से जीरा, धनिया, रेड चिली पाउडर और ब्लैक पेपर डाल सकते हैं। डो बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कप आटा का यूज किया था, फिर उसमें मैंने डाला था 1 चम्मच तेल, थोड़ा सा नमक और फिर पानी डाल के उसे एक अच्छा सा डो बनाकर 15 मिनट के लिए साइड में रख दिया था। अब मैंने थोड़ा सा डो लेके उसे रोटी की तरह बेल लिया था, फिर उसमें मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया था। फिर अब हम आलू डाल देंगे, साइड में थोड़ा थोड़ा पानी लगा देंगे और फिर हम इसे पराठा के लिए बेल लेंगे। आप अपने हिसाब से पराठा को शेप दे सकते हैं, क्योंकि मसाला डालने के बाद ये अच्छे से बंद नहीं होता है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप कोई भी शेप दे कर इसे बना सकते हैं। तो मैंने अब इसे बहुत मुश्किल से बंद करने के बाद मैंने इसे बेल लिया है। और फिर क्या, गरम तवे में 1 चम्मच तेल डाले, आप घी भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ तेल का यूज किया है। और फिर इसे अच्छे से सेक लीजिए और फिर इसे चाय, चटनी, दही या अचार के साथ खा सकते हैं। सर्दियों के मौसम में आलू पराठे खाने का तो कुछ मज़ा ही अलग है। तो आप भी बनाइए और खाइए। Thanks for watching. If you like my video, then like, share, comment and subscribe my channel.